बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल फ्लेवरी फूड। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ। चावल की रेसिपी है, बहुत मज़े की है, बड़ी झटपट बन जाती है। और आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन फ्राइड राइस। इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो आप देख रहे हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती चली जाती हूँ। चले आएँ, शुरू करते हैं। चिकन मैंने लिया है, तकरीबन ये 200 ग्राम्स है, और इसको मैंने इस तरह लंबी लंबी स्लाइसेस में कट कर लिया है। सबसे पहले मैं चिकन को मैरिनेट करने लगी हूँ, और इसके लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और इसको थोड़ा सा स्पाइसी करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। चिकन में स्पाइसेस मैंने डाल दिए हैं, इसको मैं रख रही हूँ मैरिनेशन के लिए फॉर 30 मिनट्स, और इसको कर देते हैं हम अप साइड पर। दो मैंने अंडे लिए हैं, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 पिंच सॉल्ट, ताकि इसमें भी थोड़ा सा फ्लेवर ऐड हो जाए, और 1 पिंच ही ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, और इसको हम कर लेते हैं मिक्स अच्छी तरह से। इसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है, इसके अंदर स्पाइसेस मिक्स हो गई हैं। इसको भी मैं कर देती हूँ साइड पर। पैन में डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच ऑयल, और इसमें हम फ्राई करेंगे वो अंडे जो मैंने फेंटे थे, 2 अदद वो हम फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले इसको इस तरह पैन में फैला लेते हैं। अंडा फ्राई हो गया, इसको मैं निकाल रही हूँ। इसी पैन में मैं दोबारा से ऑयल डाल रही हूँ, तकरीबन 3 खाने के चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। और ये मैंने लिया है तो 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, ये सबसे पहले फ्राई कर लेंगे हम। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन जो मैंने मैरिनेट किया हुआ था, वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको हम कर लेंगे फ्राई। चिकन को फ्राई कर लेना है कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गल जाए। ये देखें चिकन। इस राइस को हम आमतौर पे मीडियम टू हाई फ्लेम में फ्राई करते हैं, तो इसमें जल्दी जल्दी फ्राई करते जाते हैं, साथ साथ चम्मच हिलाते रहें। देखिए चिकन बड़ा अच्छा फ्राई हो गया है, और ये गल भी गया है, ये देखें। साथ ही मैं इसमें वेजिटेबल्स ऐड करने लगी हूँ। वेजिटेबल्स मैंने 3 ली हैं, मैंने गाजर ली है, शिमला ली है, बंद गोभी ली है, और मैंने इनको इस तरह लंबा लंबा कट कर लिया है, और ये इसमें मैं साथ साथ ऐड करती जाती हूँ। इसमें मैं गाजर डाल रही हूँ, अब मैं शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, और साथ ही ये बंद गोभी भी मैं इसमें डाल रही हूँ। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, और फिर इसकी हम सीजनिंग करेंगे। हाँ
इसमें मैं डाल रही हूँ 2 बड़े खाने के चम्मच सोया सॉस, साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 2 खाने के चम्मच सिरका। ये मैंने ली है हरी मिर्च चटनी है, ये ऑप्शनल है, मुझे ये पसंद है, आपने डालनी है तो डालें, इसका बहुत अच्छा स्पाइसी सा फ्लेवर आता है। और ये मैंने ली है 1 खाने का चम्मच गार्लिक केचप, ये भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको कर लेते हैं अच्छी तरह से मिक्स, इसको हाई फ्लेम पे फ्राई करेंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त ये वेजिटेबल्स और ये चिकन मिलके लग रहा है, सो यम्मी। वेजिटेबल्स फ्राई हो गई हैं, इसमें मैं डाल रही हूँ बॉइल्ड राइस। बॉइल्ड चावल मैंने पहले से ही बॉईल कर लिए थे, जैसे आमतौर पर चावलों को बॉईल किया जाता है, और इसमें हम ऐड करने लगे हैं अब इनको, और फिर इनको अच्छी तरह से मिक्स करके, और अगर थोड़ी सी और सीजनिंग की ज़रूरत हुई तो हम इसमें थोड़ी सी और सीजनिंग करेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि सारे स्पाइसेस चावलों के साथ मिक्स हो जाएं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने अंडा फ्राई किया था, ये भी मैं इसमें डाल रही हूँ। थोड़ी सी ब्लैक पेपर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको हम दे देंगे 2 मिनट के लिए। मैं इसको ढक रही हूँ ताकि ये सारे फ्लेवर इसके साथ अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए चावलों में, और इसको 2 मिनट के लिए तकरीबन मैं हल्की आंच पे दम पे रख रही हूँ। अच्छा, दम देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है चीनी। चीनी मैं भूल गई थी, ये मैं इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, ये इसके ऊपर है, इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये इसको बड़ा अच्छा ज़बरदस्त सा फ्लेवर देगा, और ये हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं, और अब मैं इसको रख दूँगी 2 मिनट के लिए हल्की आँच पर दम पर। राइस हमारे रेडी हो गए हैं, इसको मैं डिश आउट करने लगी हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। चिकन फ्राइड राइस तैयार हो गए हैं, देखिए चावल कितने मज़े के लग रहे हैं। इसको आप ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक दें कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें विद बेल आइकन, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अपनी दुआओं में याद रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।